वार्ड 14 में नाली का निर्माण में ठेकेदार ने सरिया की जगह बांस की लकड़ी का उपयोग किया, 2 साल के लिए ब्लैक लिस्ट। नगर पालिका जांजगीर नैला के वार्ड 14 में भ्रष्टाचार का ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर अफसर भी हैरान रह गए। वार्ड में कराए जा रहे नाली निर्माण में ठेकेदार ने सरिया की जगह बांस की लकड़ी का उपयोग किया था। वार्ड वासियों को जब इस बात का पता चला तो ठेकेदार ने उल्टे स्थानीय लोगों को ही धमकाना शुरू कर दिया। मामले ने तुल पकड़ा तो ठेकेदार को परिषद ने नगर पालिका जांजगीर नैला क्षेत्र में 2 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया है। ठेकेदार की इस मनमानी की जमकर चर्चा है। दरअसल जांजगीर नैला के वार्ड 14 में 6 लाख रुपए की लागत से बनने वाली नाली का ठेका वासु कंस्ट्रक्शन को दिया गया था। वार्ड में नाली निर्माण का कार्य ठेकेदार करा रहा था, तभी स्थानीय लोगों को पता चला कि नाली निर्माण में सरिया की जगह बांस की लकड़ी का उपयोग किया गया। जब यह मामला सामने आया तो नगर पालिका के अफसरों के होश उड़ गए और वे तत्काल मौके पर पहुंचे। ठेकेदार और मोहल्ले वासियों की मौजूदगी में जब अफसरों ने नाली को तोड़कर देखा तो उसमें सरिया की जगह बांस की लकड़ी लगी हुई थी। ठेकेदार की इस तरह की भर्राशाही के बाद अफसरों ने जन प्रतिनिधियों को जानकारी दी, फिर नगर पालिका परिषद ने वासु कंस्ट्रक्शन को 2 साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया है। इधर स्थानीय लोगों का कहना है कि मोहल्ले में पहली बार नाली बनी है, वह भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। ऐसे में नाली को नए सिरे से बनाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह बिना सरिया की नाली बनाई गई है उससे नहीं लगता कि यह नाली ज्यादा दिन टिकेगी। हाँ, मैं तो चाहता था कि नाली अच्छा से अच्छा बने, और ओला मैं मना भी करे हूँ कि बांस के तुमन काब लगा था, तो ओ मन बोलीस के मैं हाँ जो मन मन पढ़ी वो मैं लगा। हाँ, जेला बोलना चाहता, जेला करना चाहता तुमन बुला सका था, तो मैं वो डालें के काम ला बंद करावा, तो तब भी सो नहीं मानी। तब भी मैं दिलीप भाई ला फ़ोन करवाएं कि ते हाँ फ़ोन कर तुरंत भाई मन कछु भी समस्या के हल दिखा, तो फिर वो ब्लाक लाई सो मन ला, तो फिर तुरंत आके नगर पालिका जो साहब भी बड़े वो आके छानबीन कर देखीस, ताकि बाँस ओकर सामने में तोड़वाएं भी और ठेकेदार के सामने भी तोड़वाएं। फिर मैं आंसू भैया ला फ़ोन करवाएं कि भैया मेरे काम गलत होते ते आके मेरे देख ले करके, तो आंसू भाई बोली सो मेरा के आप मन के काम हाँ समझ में नहीं आते तो बंद करवा देवा, तो मैं हाँ ठीक है भाई मैं कहें बंद करवा देता हूँ मैं काम ला। बोला बार बार चेताए भी मैं हाँ के ये काम गलत होते लग बंद करा तुमन करके, फिर भी नहीं मानी। मतलब उल्टा सीधा बहुत बदतमीज से बात करीस, जो करना है कर ले, कलेक्टर कर जावा कहीं भी जावा, लेकिन मैं मोर जैसा बनी तैसे मैं बना है इसके केस। इसमें क्या भी एक्चुअल में ठेकेदार द्वारा मतलब नाले का निर्माण किया गया और सरक बदला बांस का लकड़ी डाला गया, फिर मतलब बगैर सरिया का उसमें ढलाई किया गया भैया, और जब आया भैया उधर से तो कुत्ता गिर गया, उसमें गिर गया उसके द्वारा भी हमको मालूम है। हमने माननीय श्री आशुतोष गोस्वामी जी को सूचित किए कि ऐसा ऐसा बात है बोल के, भाई वार्ड में नाली का निर्माण घटित तरीके का हुआ है, तो हमारे श्री माननीय आशुतोष गोस्वामी जी सीमो साहब को भी अवगत कराए लिखित में भी, और उसके बाद वीडियो भी हम लोग बनाए हैं। वीडियो बना कर उसको बोले गए हैं ठेकेदार को, भाई अधिकारी भी आए थे तो वो बोले कि ये ठीक नहीं है, घटे स्तर से बना है और उचित कार्रवाई करके इसको पूरा नाली को फिर से मतलब बनाया जाएगा। हम मतलब आदमी को मतलब धमकी दी भी दिया है, जो भाई उखाड़ लो उखाड़ सकते हो, चाहे भैया कलेक्टर पास जाओ किसी पास जाओ, इस टाइप के बोले वो, और काम जो है पूर्ण तरीके से नहीं हुआ है, एकदम घटिया तरीके से काम हुआ है जी। ये वार्ड नंबर 14 जो मेरा ही वार्ड है, लगभग 11.5 लाख रुपए के सीसी रोड और नाली निर्माण वासु कंस्ट्रक्शन फर्म को दिया गया था, जिसके द्वारा नाली निर्माण और सीसी रोड निर्माण का कार्य पूर्व में किया गया। उसके द्वारा जो नाली निर्माण किया गया, जो सारथी मोहल्ला हमारा जो मजदूर वर्ग का जो वार्ड है, स्लम एरिया है, बहुत गरीब परिवार के लोग यहाँ पे रहते हैं, जो नगर पालिका के जो मूलभूत सुविधा है नाली की, रोड की,
पानी की, ऐसे जो कार्य हैं उससे वो वंचित रहते हैं। लेकिन जो अभी वर्तमान में जो ठेकेदार वासु कंस्ट्रक्शन के द्वारा घोर लापरवाही और अनियमितता गुणवत्ताहीन नाली निर्माण किया गया, जिसके लिए जैसे ही मेरे को वार्ड वासियों के द्वारा मोबाइल में वीडियो भेजा गया, मैंने तुरंत उसको संज्ञान में लेते हुए मुख्य नगरपालिका अधिकारी को लेटर भी लिखा और वीडियो क्लिप भी मेरे द्वारा उसको दिया गया, उनको दिया गया। वासु कंस्ट्रक्शन के द्वारा छड़ की जगह बांस लगाना निश्चित ही गंभीर मामला है। जब वार्ड वासियों का शिकायत आया हमारे पास, तो हमने इंजीनियर को तुरंत निर्देशित किया कि जाकर वहाँ पर क्या है, देख क्या होकर। तो इंजीनियर ने भी उसको बांस ही सही पाया गया। और होता क्या है, ठेकेदार को जब काम का वर्क ऑर्डर होता है तो उसके साथ उसको इस्टीमेट दिया जाता है और उसको काम करना रहता है इस्टीमेट के आधार पर। यदि ऐसा वो छड़ की जगह बांस लगा रहा है तो निश्चित रूप से नगर पालिका को गुमराह कर रहा है और जनता को गुमराह कर रहा है। इस बात से हमको नगर पालिका की छवि भी धूमिल हुआ और हम लोगों ने उसको 2 साल के लिए, इस कार्यकाल के लिए उसको नगर पालिका में वो किसी भी तरह के काम में पार्टिसिपेट नहीं करेगा और हो सके तो परिषद में उसको फिर रखेंगे, हो सके तो उसको पूरे विभागों से ब्लैकलिस्टेड करने का भी कार्रवाई कर सकते। देखिए, वार्ड क्रमांक 14 में एक ठेकेदार के द्वारा वासु कंस्ट्रक्शन है, उनके द्वारा नाली निर्माण का काम किया जा रहा था। शिकायत आई कि नाली के स्लैब के ऊपर में सरिया के स्थान पे उनके द्वारा लकड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है। शिकायत पे हमारे इंजीनियर ने जाके निरीक्षण किया, परीक्षण किया, जिसमें शिकायत बिल्कुल सही पाई गई। इस मामले को परिषद ने या नगर पालिका ने बहुत गंभीरता से लेते हुए PIC की बैठक में रखा, जिसमें यह पाया गया कि ठेकेदार के द्वारा स्तरहीन काम किए जाने से नगर पालिका की छवि प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रही है। PIC की बैठक में उक्त ठेकेदार के द्वारा किए जा रहे स्तरहीन काम को सुधार कर तोड़कर नए सिरे से बनाने का निर्णय लिया गया। साथ ही जो कुल लागत है उसका 15% राशि की पेनल्टी अधिरोपित की जा रही है और परिषद के शेष कार्यकाल के लिए इस निकाय में जो भी काम आएंगे उसमें इस ठेकेदार को उस कार्य से वंचित किए जाने का निर्णय लिया गया है।